Hello, I am Dr. Hafiz and welcome in Data Analysis Series Data. Today I am going to make this video into Urdu. I am very happy to receive positive comments and suggestions and thank you so much for encouraging me. So today we will discuss what is Stata's interface and Stata as a beginner, how we take it. So first of all, Stata has 4 windows which we start with first. This is a command window जिसके अंदर हम अपनी कमांड लिखते हैं जो हम इनपुट देते हैं ताकि हमें स्टेटा आउटपुट दे और ये हमारी रिव्यू विंडो है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो कमांड्स दी होती हैं हमने जो काम किया होता है वो हमें लिस्ट की फॉर्म में बताता है कि ये कमांड्स जो हैं आपने रन किए और उसके बाद ये आपकी आउटपुट विंडो है जहां पे आपकी आउटपुट शो होती है जो आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं जो आप कमांड रन करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपकी जो वेरिएबल विंडो है यहां पे आप जितने भी वेरिएबल आपकी स्टडी के या जितने भी वेरिएबल आप अपने डेटा के अंदर सेट्स के अंदर ले रहे हैं और ये वाली जो विंडो है ये प्रॉपर्टी विंडो है जो कि आपके वेरिएबल के बारे में चीजें बताएगी तो सबसे पहले अगर बात कर लें हम स्टार्ट करते हैं कमांड विंडो से कमांड देने के 3 तरीके हैं यानी कि आप इनको 3 जो कमांड है कोई भी आप 3 वेज हैं थ्री वेज हैं कमांड देने के उसमें नंबर 1 तो ये है कि आप उसको जस्ट राइट कमांड मतलब आप उसको कमांड लिखें कमांड देंगे एंड देन राइट द कमांड इन कमांड विंडो और वो कमांड आप दे देंगे सेकंड नंबर पे ये है कि आप जो है उसको डायरेक्टली जो क्लिकिंग बाय क्लिकिंग है स्टैटिस्टिक्स में जाएं और वहां से उसको मेन्यू बार से जाके जाएं मेन्यू बार से कमांड दे दें और जो तीसरा मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं उसमें हम सिर्फ करते हैं कि जो अगर आपने कोई डू फाइल एडिटर है और डू फाइल एडिटर एक कमांड लिखी है तो डू फाइल्स आप रन कर सकते हैं अब मैं ये बताता हूं ये तीनों होती क्या है कैसे तो अब यहां पे हमारे पास अगर आपको आइकन नजर आ रहा था ये हमारे पास नजर आ रहा है डेटा एडिटर का डेटा एडिटर बेसिकली क्या होता है कि आपने जो डेटा एंटर किया है और आप इस डेटा एडिटर के जरिए आप अपने डेटा की एंट्री कर सकते हैं डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा में से कोई चीज माइनस कर सकते हैं कोई नया वेरिएबल जनरेट कर सकते हैं तो इसके अंदर आप डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके बाद यहां पे आपके पास ऑप्शन आ रही है डेटा ब्राउजर जो है ये बेसिकली आपको बताता है कि आपका जो रीड ओनली होता है यानी कि आपके पास जो डेटा सेट है जो आपने डेटा एंट्री की है वो डेटा कैसा है अगर आप चेक करना चाहें कोई मॉडिफिकेशन आपने की है उसके बाद आप देखना चाहें कि डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है नहीं हुई है तो वो आप रीड ओनली कर सकते हैं डेटा ब्राउजर के जरिए उसके बाद ये वाला जो आइकन है ये आपका है डू फाइल एडिटर जैसे मैंने आपको बताया कि डू फाइल से भी कमांड दी जा सकती है डू फाइल बेसिकली क्या होता है सेट ऑफ कमांड होता है आपने कोई एनालिसिस किया उसकी सारी कमांड्स आपने वन बाय वन लॉजिकली जो रीजनिंग है आपके पास जो आप मॉडल रन करते हैं उसमें लिख लेते हैं लिखने के बाद आप उसको जस्ट कमांड्स को कॉपी करते हैं उसके बाद सब सारी कमांड्स को रन कर सकते हैं या सिंगल सिंगल कमांड को भी रन कर सकते हैं उसके बाद यहां पे हमारे पास ये मेन्यू बार है यहां पे मेन्यू बार के अंदर यहां पे फाइल है जहां पे आप डाटा एंट्री करते हैं और उसके सेव करते हैं या लॉग फाइल बनाते हैं और इसी तरह जो ये एडिट ऑप्शन है देन यू हैव डेटा डेटा के बारे में डिस्क्रिप्शन है ये आपको जितनी भी अदर चीजें कोड्स या चीजें बता सकते हैं देन ग्राफिक्स ग्राफिक वाली जो ऑप्शन है इसमें आप डिफरेंट किस्म के जो ग्राफ बना सकते हैं जैसे टू वे ग्राफ बना सकते हैं बार चार्ट डॉट चार्ट पाई चार्ट हिस्टोग्राम स्कैटर डायग्राम उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशनल ग्राफ भी बना सकते हैं जैसे आपके पास सिमेट्रिक प्लॉट होता है बॉक्स इंजीनियर प्लॉट है काई स्केयर है क्वांटाइल है तो डिफरेंट ऑप्शन हैं जो आप ग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हैं वो अवेलेबल है ये सबसे इंपॉर्टेंट विंडो है स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो लॉजिकल वे में जो स्टेटा ने जितनी भी अप्रोचेज हैं जितने भी एनालिसिस हैं या जितने भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं और वो आप उसके बाद अगर आप देखेंगे आप इस पर पहले पे समरी पे क्लिक करते हैं देन यू हैव अदर ऑप्शंस ये आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जो कि अवेलेबल टेस्ट या अवेलेबल ऑप्शन जो आपको गिवन है उसके जरिए आप कोई भी जो रिक्वायर आपका डेटा सेट के मुताबिक या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई चीज़ है एनालिसिस वो कर सकते हैं सिंपली ये आपकी जो है स्टैटिस्टिक्स बार यहाँ से भी दे सकते हैं उसके बाद ये यूज़र के बाद डाटा के बारे में डिस्क्रिप्शन है चीज़ें हैं उसके अलावा यहाँ पे आप विंडो की सेटिंग कर सकते हैं जैसे ये बता रहा है कि मेरे पास डाटा 14 है रिव्यू कर सकते हैं वेरिएबल देख सकते हैं चीज़ें हैं और यहाँ पे हेल्प के अंदर अगर आपने कोई हेल्प चाहिए अगर आपको कमांड नहीं मिल रही अगर कोई आपको समझ नहीं आ रही कोई मेथड है उसका नाम लिख के आप हेल्प कर सकते हैं
अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो तो ये आपको उसके बारे में भी ले जाता है। अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, जो कमांड विंडो हमने कर ली, डाटा एडिटर के बारे में बात कर ली, अब हम इसमें देखते हैं डाटा की एंट्री कैसे करते हैं और साथ में इसके फंक्शन करते हैं। डाटा एंट्री करने के लिए हमारे पास सबसे पहले डाटा सेट होना जरूरी है। अब डाटा सेट्स के लिए मैंने यहाँ पे जो पहले डाटा सेट रखा हुआ है जो कि मेरे पास अवेलेबल है, ये एक पाकिस्तान चाइना का डाटा है और चाइना का डाटा मैंने लिया है 1980 से लेकर 2016 तक। अब इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा स्टेटा के अंदर, स्टेटा विंडो के अंदर मैं जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डाटा एडिटर है। अब डाटा को एंटर करने के भी दो मेथड है, एक तो ये है कि आप कमांड दे लें, सेकेंड ये है कि आप डाटा एडिटर पर क्लिक करें। डाटा एडिटर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये देखिए विंडो आ गई है, देन यू कैन पेस्ट द डेटा हियर। सेकेंड ये है कि अगर आप, मैंने इसको बंद कर दिया, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एडिट, एडिट की कमांड लिखते हैं और आप एंटर करते हैं तो ये देखें आपके पास दोबारा डाटा एडिटर ओपन हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट सेल होगा इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, देन यू हैव अ पेस्ट। पेस्ट पे जब क्लिक करेंगे ये आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस बॉक्स के अंदर वो कह रहा है कि आया कि आपने जो डेटा है, अपना जो डेटा है उसको रोज में, जो पहली रो के अंदर डेटा लेना है या आपने पहली रो के अंदर वेरिएबल लेने हैं। तो आई डू प्रेफर कि मैं पहली रो के अंदर वेरिएबल्स के नेम लेता हूँ, मैंने कहा वेरिएबल नेम्स। अब मैंने जब वेरिएबल नेम दे दिया तो ये मैंने डेटा जो एंटर कर दिया। अब डेटा एंटर करने के बाद देखें हमारे पास ईयर 1980 से लेकर 2016 तक है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल कार्बन मिशन है, सेकेंड वेरिएबल जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, देन जीडीपी ग्रोथ, एंड लास्टली वी हैव अब्रॉड मनी। अब ये आपके वेरिएबल के डाटा की वैल्यूज हैं और ये जो रेड कलर नज़र आ रहा, रेड कलर नॉर्मली जो ऐसा डाटा जो स्टेटा रीड नहीं करता उसके लिए ये रेड कलर के अंदर शो करता है। अगर आपकी वैल्यूज में कभी ऐसा हो तो आपको पहले देखना है कि आपकी वैल्यू में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको करेक्ट करना है और देन यू कैन डू एनालिसिस। ये आपके पास देखें वेरिएबल बता रहे हैं कि वेरिएबल मेरे पास ये वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स का जो डेटा है ये आ चुका है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे अगर देखें आपके पास तो ये डेटा ब्राउजर है, ब्राउज भी ऑप्शन कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं वेरिएबल्स को जो नेम या रीनेम चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज हैं। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट ये एक ऑप्शन होती है जिसके जरिए आप एक ही डेटा सेट्स को कई डेटा सेट्स के अंदर सेव कर सकते हैं। मतलब सिंगल आपका डेटा, आप काम कर रहे हैं, आप पहले डेटा सेट को भी सेव कर सकते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को, डिफरेंट जो डाटा सेट्स होते हैं उनको आप सेव कर सकते हैं स्नैपशॉट की ऑप्शन से। अब ये मैंने बंद कर दिया, जब मैंने इसको क्लोज किया तो ये देखें हमारे पास ये बता रहा है कि आपके पास 6 वेरिएबल्स हैं, 37 जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं और उसके बाद आपके पास ये देखें, ये मैंने अभी तक जो 4-5 कमांड्स रन किए हैं, ये कमांड विंडोज के अंदर वो रिव्यू दे रहा है, रिव्यू विंडो के अंदर सारी लिस्ट भी बताई गई है और यहाँ पे जो भी हम कमांड लिखेंगे उसके मुताबिक वो आउटपुट देता है। यहाँ पे देखें वेरिएबल के लिए उसने वेरिएबल का बता दिया कौन कौन से वेरिएबल हमारे पास है। अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ CO2 पे क्लिक किया, जब इसमें मैंने क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज के अंदर ये बता रहा है कि इसका नाम CO2 है, लेबल इसका CO2 है, इसका फॉर्मेट ये है और इसकी जो 6 वेरिएबल्स हैं, ऑब्जर्वेशन 37 है, ये आपके वेरिएबल के डाटा की डिस्क्रिप्शन बता रहा है और ये वेरिएबल की जो है प्रॉपर्टीज बता रहा है, डाटा वेरिएबल की प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपने डाटा एंटर कर दिया लेकिन आपने फ्यूचर में अगर काम करना है तो आप बार बार एक्सेल से कॉपी करना नहीं चाहते, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप जाते हैं फाइल पे, फाइल पे जाने के बाद करते हैं सेव एज। सेव एज पे यहाँ पे आप नाम लिखते हैं, मैं कहता हूँ कि टॉपिक 1 और 2 है, 1 और 2 है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जिस जगह पे आप सेव करना चाहते हैं, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और ये स्टेटा फॉर्मेट के अंदर, स्टेटा डॉट के अंदर मैं सेव करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा ये अवेलेबल अदर फॉर्मेट्स भी होंगे, ये स्टेटा का जो फॉर्मेट्स हैं उसमें सेव करेंगे। जब मैं सेव करूँगा, जब मैंने ये सेव कर दिया तो उसके मुताबिक ये बता रहा है कि मैंने सेव की कमांड रन की है और वो सेव की कमांड क्या है कि मैंने एक फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया है डाटा के नाम से। अब अगर मैं स्टेटा को क्लोज भी कर दूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया, ये मैंने एक्सेल भी क्लोज कर दिया और उसके बाद अगर आपके पास मैंने काम करना है तो उसके लिए क्या करना है कि आपके पास ये देखें मेरे पास टॉपिक 1 और टॉपिक 2 की फाइल है, इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा। जब इसको मैं क्लिक करूँगा अल्टीमेटली तो ये देखें स्टेटा के अंदर ये बता रहा है कि यूज़र है, डाटा टॉपिक है, ये इतने वेरिएबल चीज़ें हैं। तो ये आप इस तरीके से डाटा की जो फाइल है स्टेटा के अंदर एंटर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप कोई एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इन फ्यूचर आई विल मेक द अदर पार्ट ऑफ दिस सीरीज। Thank you so much for listening me. Please keep giving me your updates and comments.